आज यहाँ पर आए मुख्य अतिथि प्रिंसिपल सर, सारे पेरेंट्स, सारे फैकल्टी और मेरे सभी दोस्तों को मैं इस चार पंक्तियों के साथ आप सबका मैं स्वागत करना चाहूंगा कि चार पंक्तियों के साथ कि चंदा की चकोरी से कोई बात ना होती, चंदा की चकोरी से कोई बात ना होती, कर तुमसे हमारी ये मुलाकात ना होती, चंदा की चकोरी से कोई बात ना होती, कर तुमसे हमारी ये मुलाकात ना होती, आज के महफिल में कोई बात है यारो, आज की महफिल में कोई बात है यारो, वरना तो कभी इतनी हंसी रात ना होती। कल रात को मैं जो टीम है ना देवा फेस का, वो मैं देख रहा था, देखते देखते मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। मैंने ख्वाब में देखा कि कोई मुझसे कुछ कह रहा है, मैंने ध्यान लगा किसने की कोशिश की तो एक अनजान सा रूप, एक अनजान सा साया मुझसे कुछ कह रहा है जिसका ना कोई रूप था, ना कोई रंग था, ना कोई आकार था। मैंने ध्यान लगा कर सुना तो सच में कोई मुझसे ख्वाब में बातें कर रहा था। मैंने उससे पूछ लिया कि आप कौन हो, उसने कहा मैं विकास हूँ, उसने कहा मैं विकास हूँ। मैंने कहा अच्छा, उसने कहा क्या आप मेरे बारे में जानना चाहोगे, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल बताइए। तो उसने मेरे माथे पे हाथ रखा और कहा कि अगर मेरे बारे में जानना चाहते हो तो सुनो, मैं वो हूँ जिसकी शुरुआत समय के आरंभ से लेकर समय के अंत तक का है, यानी मेरा आकार अनंत काल तक का है। मैं तो वो हूँ जहाँ पर खेत और खलिहान है वहाँ अगर हॉस्पिटल बन जाए तो वो विकास है, जहाँ पर स्कूल नहीं वहाँ कॉलेज और यूनिवर्सिटी बन जाए तो वो विकास है। मैं तो वो हूँ कि अगर कोई गरीब घर का नौजवान मेहनत करके UPSC एग्जाम क्लियर करता है और IAS IPS बन जाए वो विकास है। मैं तो वो हूँ कि चाय बेचने वाला चाय बेचकर देश का प्रधानमंत्री बन जाए वो विकास है। उसने कहा कि मैं तो वो हूँ कि चाय बेचने वाला चाय बेचकर देश का प्रधानमंत्री बन जाए, उस पर देश को नाच हो गर्व हो वो विकास है। विकास तो वो है, हाँ वो विकास है। और आज के इस स्वतंत्र दौर में विकास के बिना किसी का भी कल्याण होना इम्पॉसिबल है। वो नॉर्थ ईस्ट की मेरी कॉम जो देश को गोल्ड मेडल जिताए और उस पर हमें नाच हो वो विकास है। और महिला तो वो है, अगर हमने इनको फिल्मों में डाला तो प्रियंका चोपड़ा बन गई, रानी मुखर्जी बन गई, हमने इनको साइंटिस्ट बनाया तो सुनीता विलियम्स बन गई, कल्पना चावला बन गई, हमने इन्हें क्रिकेट के मैदान में डाला, हमने इनको खेलों में डाला तो साइना नेहवाल बन गई, सानिया मिर्जा बन गई। बेटियों के लिए तो कहा गया है कि घुटने घुटने चलती बेटी, घुटनों घुटनों चलती बेटी, खड़ी नहीं हो जाना तुम, घुटनों घुटनों चलती बेटी, बड़ी नहीं हो जाना तुम, छोटी ही अच्छी लगती हो, खड़ी नहीं हो जाना तुम। विकास वो है, विकास वो है जैसे पानी का एक बूंद जब आसमान से जमीन पे गिरता है तो बरखा बन जाता है, जब फूलों पे गिरता है तो सपनम बन जाता है, जब पत्ते पे गिरता है तो अर्क बन जाता है, और जब वही पानी का बूंद घास पे गिरता है तो ओस बन जाता है, और फिर जब पानी में गिरता है तो पानी का बूंद पानी में ही जा मिलता है। तो ये चार पंक्तियां उन बूंदों के लिए कि समझ कर एक दूसरे के भावनाओं को, समझ कर एक दूसरे के भावनाओं को विश्वास बनता है, समझ कर एक दूसरे के भावनाओं को विश्वास बनता है, दो रूह निकट हो तो एहसास बनता है, समझ कर एक दूसरे के भावनाओं को विश्वास बनता है, दो रूह निकट हो तो एहसास बनता है, घर भर जाए बूंद बूंद से एक समंदर तो, घर भर जाए बूंद बूंद से एक समंदर तो, इन्हीं ताकतों से मिलके मुल्क का विकास बनता है। तालियों में कोई GST नहीं है, तालियां बजाइए खुलकर। अरे हम तो वो हैं जिसके हमारे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को देखकर पेरिस के एफिल टावर को भी शर्म आती है, हम तो वो है कि हमारे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को देखकर अमेरिका के लाइब्रेरी को भी शर्म आती है। हमारे विकास की बात तो उत्तर से लेकर पश्चिम तक, दक्षिण से लेकर पूर्व तक हमने तो विकास का काम किया है, कभी मेक इन इंडिया के नाम पर, कभी कभी डिजिटल इंडिया के नाम पर, न जाने किस किस नाम पर हमने विकास किया है। हमारे विकास की परिभाषा तो ऐसी है, तो सिर्फ जमीन पर ही नहीं आसमान के चांद से लेकर तारों तक, आसमान के चांद से लेकर तारों तक, सूरज से लेकर जमीन तक, और जमीन से लेकर किसी बाग में घूमती हुई उस जुगनू तक है। आर्यभट्ट हो या फिर अग्नि मिसाइल हो या फिर वो एटम बम हो, उसे देखकर पाकिस्तान को भी डर लगता है। हमने तो वहां तक का विकास किया है, विकास पे हमारी भारत आज भी आगे है और कल भी आगे होगी, ये चार लाइन कहकर। और जब विकास से मेरी बातें हो रही थी तो इन्हीं बातों में मुझे किसी ने आकर उठाया
और मैं उठने लगा तो विकास ने मुझसे कहा कि कोई तुझे उठा रहा है, अब सुबह हो गया, जा और जाकर एसआई सिटी में बता देना कि रात को हमारी क्या बातें हुई थी। तो रात को मेरे और विकास की ये बातें हुई थी और विकास ने जाते जाते मुझसे चार पंक्ति कही। वो चार पंक्ति ये था कि मेरे कर्मों से मेरे ओहदों से पहचान हो मेरा, मेरे कर्मों से मेरे ओहदों से पहचान हो मेरा, मोहलू हर एक व्यक्ति को अपने संस्कारों से ऐसा उन्वान हो मेरा, मेरे कर्मों से मेरे ओहदों से पहचान हो मेरा, मोहलू हर एक व्यक्ति को अपने संस्कारों से ऐसा उन्वान हो मेरा, करके विकास झुका दे, करके विकास झुका दे सारी दुनिया को जो अपने कदमों में, करके विकास झुका दे तो सारी दुनिया को अपने कदमों में, ऐसा हिंदुस्तान हो मेरा, ऐसा हिंदुस्तान हो मेरा। थैंक यू।